नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। सभी साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब और फॉलो का निशान आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर खासकर दो सीटों के अंदर तो बहुत सारी आ चुकी, एक आदमपुर हिसार लोकसभा की सीट है, दूसरी अम्बाला कैंट की सीट है, जहां से पार्टी के किदावर नेता अनिल विज का अपमान किया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पब्लिक कह रही है, ऐसा जनता कह रही है। वहीं पर दूसरी तरफ पब्लिक प्रोग्राम के अंदर बार बार मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की गई थी, मैंने भी काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं कि हमारे विधायक आदमपुर से चुने गए हैं भव्य विश्वई, उसको कोई ना कोई मंत्री पद तो जरूर दिया जाए। काफ़ी चर्चाएँ चली थी कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी ने, कुछ नहीं दिया। ऐसे में पब्लिक की जनता के बीच एक रोष का माहौल पैदा हो रहा है। अभी अगर आप भव्य विष्णु या अनिल विज के समर्थकों से बातचीत करेंगे, मैंने बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के सामने मांगे रखेंगे, उन्होंने मांग रख भी दी है। क्या मांगे रखेंगे, आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं के समर्थक चाहते हैं कि भव्य विष्णु या उनके परिवार के किसी सदस्य को हिसार लोकसभा सीट से टिकट दी जाए। कुलदीप सिंह ने अभी तो कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। ऐसे में उनके समर्थक चाहते हैं कि या तो मदनलाल परिवार हिसार से लोकसभा चुनाव लड़े या भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया जाए चौधरी कुलदीप बिश्नोई को। वो ऐसा नहीं कहते कि भव्य बिश्नोई को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उनका यह भी मानना है कि भव्य बिश्नोई राजनीति में नए हैं, थोड़ा अनुभव कम है, लेकिन उनके पिता चौधरी कुलदीप बिश्नोई को कुछ बड़ा पद भाजपा के अंदर दिया जाए ताकि उनके प्रदेश की जनता जिस चीज से वंचित है काफी सालों से वो मिल सके। पब्लिक का मानना है कि कांग्रेस का शासन ना होने के कारण ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी के अंदर ऐसा अपमान हो रहा है। अपमान तो इसे चलो नहीं कह सकते, यानी बीजेपी पार्टी के अंदर वैल्यू नहीं मिल पा रही है। काफी चर्चाएं चल रही थी कि भव्य बिश्नोई को मंत्री पद दिया जाए, फिर चर्चा चल रही कि भव्य बिश्नोई को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि डिप्टी सीएम बनाने से उनकी पावर कम हो जाएगी, इसी कारण अनिल विज भी नाराज है। उनसे गृह विभाग छीन लिया गया, ना तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया ना ही उन्हें गृह विभाग का मंत्री बनाया गया। उनके समर्थक भी काफ़ी नाराज हैं। सुनने में आ रहा है कि नेता चाहे भाजपा के साथ रहे, भाजपा में शामिल रहें, लेकिन उनके समर्थक या उनके वोटर भाजपा का बायोकॉट कर सकते हैं। बायोकॉट का मतलब वोट तो उनका उनके मंत्री के लिए, उनके नेता के लिए होगा, लेकिन भाजपा के अगर कोई बड़े नेता भी आएंगे प्रचार करने तो वो उसको तवज्जो नहीं देंगे। बायोकॉट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आदमपुर हल्के के अंदर बीजेपी के कोई बड़े नेता आ रहे हैं तो वो उसका सम्मान नहीं करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो भव्य बिश्नोई का साथ छोड़ देंगे या भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन भाजपा के दूसरे जबड़े नेता अगर उन्होंने उनके ही नेता का सम्मान नहीं किया तो वो कैसे सम्मान कर सकते हैं। मैंने पब्लिक के बीच चर्चा की, उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिल जाए तो क्या आप चौधरी कुलदीप बिश्नोई अगर आपसे कहे कि आप तो कैप्टन अभिमन्यु को वोट दे देंगे तो क्या आप वोट दे देंगे। ऐसे सवाल पर एक बुजुर्ग शख्स ने कहा कि उनका वोट तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के कहने पर ही जाएगा, लेकिन वो ये बात भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि उनका वोट आज भी हमारा कुलदीप बिश्नोई को गया, ना कि कैप्टन अभिमन्यु को। वोट जरूर मोदी जी के खाते में जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक तो वोट डालेंगे वो मोदी जी के सम्मान के लिए डालेंगे, क्योंकि उन्हें मोदी जी चाहिए, वो भाजपा को वोट करेंगे ना कि कैप्टन अभिमन्यु को। दूसरा, उनके किदावर नेता का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है पार्टी का, यानी मंत्री पद भव्य बिश्नोई को नहीं मिला, कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिली, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भाजपा पार्टी को, क्योंकि हर कोई वोटर हमारे जैसा नहीं होता है। काफी लोग पार्टी से जुड़े होते हैं और काफी लोग व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, तो ऐसे में काफी फर्क पड़ सकता है। और यही नाराजगी
भाजपा को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। सर्वे में देखा जाए तो अनदेखी करना, जो नेता अपने गढ़ में जमे हुए बैठे हुए, जो उनके प्रिय नेता, उनकी अनदेखी करना एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। दूसरी तरफ से भाजपा क्या है, बड़े बड़े नेताओं के गढ़ खत्म करना चाहती है, कंडीशन लगाई जा रही है। कंडीशन कैसी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन ऐसे लगाई जा रही है, जैसे कि आप मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को एमपी की टिकट दी गई है करनाल से, तो करनाल से वो एमपी बन जाएंगे, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे नेता को चुनाव लड़वाया जाएगा, नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़ाया जाएगा, अगले चुनाव के अंदर भी कोई और नेता चुनाव लड़ेगा, यानी उस नेता का गढ़ ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही आदमपुर के अंदर भी भाजपा पार्टी करना चाहती है। अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को एमपी की टिकट चाहिए तो उन्हें आदमपुर की सीट किसी और नेता के लिए छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में जो बसनलाल परिवार सालों से यहाँ पर जमा हुआ बैठा है, उनकी जगह आदमपुर के अंदर कोई और नेता आकर बैठ जाएगा, इससे भी पब्लिक काफी नाराज है। तो ऐसे में टिकट मिलने के बाद ही विस्तार से हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन अभी तक कितना मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से राज्य में बैठे हुए नेताओं से कि पब्लिक काफी नाराज है। बहुत ही जल्द टिकट वितरण के बाद हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देंगे कि पब्लिक कितना नाराज है। जो है बुजुर्गों से भी सवाल करेंगे, ऑन कैमरा ऑन द स्पॉट कैमरा दिखाऊंगा। अभी तो मैं कानों सुनाई सुनाई चर्चा जो मेरे को खबर मिली है, जो मैंने पब्लिक के बीच जो विजिट किया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं किया है कैमरा, तो अभी तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ वर्चुअली, लेकिन बहुत जल्द मैं फील्ड में जाऊँगा और पब्लिक की भावना आप लोगों को बताऊँगा। ऐसे में आपका क्या सोचना है कमेंट कीजिए, बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।